अर्थात गुरुवर, आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे के विजयनगर में रहते हुए जो संकट आने वाला है उसमें भी राज्य का कल्याण छुपा हुआ है। हाँ पंडित रामाकृष्ण, अब देखिए, बच्चे के कारण आपको अवकाश मिला, बच्चे के कारण आपके पूरे परिवार को महलों का आराम मिला, बच्चे के कारण आपको मेवे खाने को मिले, बच्चे के कारण आपको पीने को, नहाने को दूध मिला। तो महाराज, वो बच्चा विजयनगर के लिए दुर्भाग्यशाली कैसे हो सकता है? किंतु गुरुवर, आपने ही हमें सीमा के बाहर भिजवाया था, तो अब लौट आने के लिए भी तो हम ही कह रहे हैं आपसे। पंडित रामाकृष्णा, कुंडली पर विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, यही कहा था ना आपने भरे दरबार में सबके समक्ष हैं? अब आपको अपने कहे शब्दों पर विश्वास नहीं है क्या? अर्थात गुरुवर, वो बालक भाग्यशाली? जी महाराज। अर्थात हमें उसे विजयनगर राज्य में बुला लेना चाहिए? जी महाराज। अर्थात उसे यहाँ राज दरबार में आने की अनुमति दे देनी चाहिए? जी महाराज। तो फिर हमें राजमहल में रहने की अनुमति भी दे देनी चाहिए? जी महाराज। नहीं महाराज, इतना करने की आवश्यकता नहीं है महाराज, बच्चा अपने घर में ही ठीक रहेगा। अच्छा, उचित उचित, परंतु हम कम से कम उस बालक का नामकरण राज दरबार में कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं महाराज, अवश्य कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बड़ी धूमधाम से राजकीय रीति रिवाज से कर सकते हैं महाराज। पंडित रामकृष्ण महाराज, आप जाइए, इस पालकी में सवार होकर जाइए और अपने पुत्र को विजयनगर राज्य में यहाँ हमारे राज दरबार में लेकर आइए, उनका नामकरण होगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। गुरुजी, बड़ी जल्दी हार मान गया, अपने शत्रु रामा के पुत्र के नामकरण में शामिल होकर कौन से अपमान का रसपान करने वाले हैं आप? हमारे शिष्य, कभी कभी शत्रु को जीत से रोकना जीत से बड़ी जीत सिद्ध होती है। अब पंडित रामाकृष्णा का सब कुछ छिन जाएगा और वो फिर वही आ जाएगा जहाँ था। गुरुजी, पंडित रामाकृष्णा से तो सब कुछ छिन जाएगा, परंतु आपको क्या मिल जाएगा? मिलेगा, मिलेगा, नामकरण करने का अवसर तो हमें मिलेगा, फिर देखना ऐसा नाम रखेंगे उस बच्चे का कि सबसे अधिक वो अपने नाम से डरेगा। अम्मा शारदा, शीघ्र करो, हमें विजयनगर जाने की अनुमति मिल गई है। उठा दिया ना, कितनी मुश्किल से सुलाया था। मैं तो खुशखबरी देने आया था। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? बच्चे को अभी तो जन्म दिया तूने, तो क्या फिर से? नहीं अम्मा, क्या अभी? ओहो, कौन सी बात कहाँ से कहाँ ले जाती हो तुम दोनों। एक बच्चा काफी है, महाराज ने सेना की भर्ती नहीं खोली हुई है कि बच्चे पे बच्चा पैदा करते रहो और सेना में भर्ती करते रहो। तो चिल्ला क्यों रहे हो? तो चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अब हम पुनः घर वापस जा सकते हैं। नहीं। क्या नहीं? अरे, हमें हमारा बसा बसाया घर बार वापस मिल रहा है, जहाँ हमारी यादें, हमारे सपने, हमारी आत्माएं बसती हैं, और तुम सब ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे मैं तुम लोगों से कुछ छीन रहा हूँ। इतने सालों से दरबार में तू सलाहकार के पद पर सड़ रहा है और इतनी मुश्किल से हमें तरक्की मिली है, तो तुझे देखी नहीं जा रही ये ऐशो आराम, ये हवेली और ये हीरे जवाहरात। हाँ रामा, इन सब को छोड़कर उन पुरानी, इन घिसी पिटी यादों और उन टूटे फूटे दुखों में मेरा भी जाने का कोई मन नहीं है। हाँ अम्मा, इस घर में जितने पर्दे नहीं हैं उससे अधिक पर्दे तो तुम दोनों की आंखों पर पड़े हुए हैं, और वो हीरे जवाहरात सब नकली हैं, नकली। और ये गुंडप्पा जो झाड़ू लगा लगा कर धन इकट्ठा कर रहा था और अपने तले दबा कर सोता है, वो सब नकली है बेटा। वेलो, मैंने तो सोचा था सबको पिघला कर इस दुनिया की सबसे बड़ी घंटी बनाऊंगा और उसमें आपका घर बता दूंगा, परंतु इस रामा ने अपना घर और सपना दोनों तोड़ दिया। नकली सपने टूटने के लिए ही होते हैं, समझा? पर
परंतु महाराज हमें नकली स्वर्ण क्यों देंगे? महाराज ने हमें नकली स्वर्ण नहीं भेजा, महाराज ने तो केवल खाने पीने की चीजें ही भेजी थी। शेष नकली वस्तुएं मैंने मंत्रीवर से कहकर मंगवाई थी गुरुवर को जलाने के लिए। उन्होंने हमारे बच्चे को अपशकुनी घोषित किया ना, उसका प्रतिशोध लेने के लिए। मान गए बापू, तुम्हें तो 7.5 दिन भी नहीं लगे मेरी 7.5 ही मिटाने में। पर ये हवेली तो असली है ना? हाँ, यही रहेंगे। क्या यही रहेंगे? अपना घर कैसा भी हो, छोटा या बड़ा, अपना ही होता है। और पराया मकान कैसा भी हो, अपना घर कभी नहीं बन सकता। वो सब मुझे नहीं पता रामा, मुझे बस इतना पता है कि बड़े लोग बड़े घरों में रहते हैं और मुझे अपने पुत्र को उसके पिता से भी बड़ा आदमी बनाना है, इसलिए मैं यही रहूंगी। बापू, क्या तुम शारदा को कभी समझा पाए हो जो आज समझा रहे हो? अरे क्या यही रहूंगी, आज नहीं तो कल हमें यहाँ से जाना ही होगा। यहाँ हमारी आदतें बिगड़ रही हैं। आदतें बिगड़ने का मतलब है स्वास्थ्य का बिगड़ना। सोचो, यदि स्वास्थ्य बिगड़ गया तो बच्चे को कैसे संभालेंगे? और बड़े घरों में लोगों के बीच दूरियां बड़ी हो जाती हैं। दूरियों का अर्थ है बिखराव, और छोटे घरों में तो दूरियों का कोई स्थान ही नहीं होता। वहां पूरा परिवार एक होकर रहता है, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हुए, है ना अम्मा? बापू, मुझे तो लंगोट गीली करने की आदत है, आप ऐसी बातें करके मेरी आंखें गीली कर रहे हैं। शारदा, अम्मा, घंटी कुमार, तुम भी समझ जाओ कि घर बड़ा नहीं हृदय बड़ा होना चाहिए, जिसमें सबके लिए स्थान हो। चलो चलते हैं। ये हुई ना बात। महाराज, नाम मात्र एक शब्द ही नहीं है जो किसी व्यक्ति को पुकारने और जानने के काम आता है। नाम तो किसी भी व्यक्ति की पहचान का आधार स्तंभ होता है। तो आज जिस नामकरण के लिए ये दरबार आयोजित किया गया है, वो तो पंडित रामाकृष्णा और उनकी धर्मपत्नी शारदा देवी के सुपुत्र के लिए एक ऐसा शब्द होगा जिससे वो जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, पुकारा जाएगा। अतः उसका नाम शुभ मुहूर्त और कुंडली के अनुसार होना चाहिए। क्षमा करें गुरुवर, परंतु कुंडली की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो सिद्ध हो चुका है कि बालक भाग्यशाली है, विजयनगर राज्य के लिए भी भाग्यशाली है। आज हम ये घोषणा करते हैं, इस बालक का नामकरण होगा, और नाम यदि बालक का है तो नाम का चुनाव भी स्वयं बालक ही करेगा। अपने नाम को तो मैं ही चुनूंगा दरबार जनों, छोटा हुआ तो क्या हुआ, मुझे भी अधिकार है मेरा नाम चुनने का। महाराज, महाराज, परंतु ये बालक तो अभी छोटा है, तो इस बात का निर्णय कैसे होगा कि बालक को कौन सा नाम पसंद है? सरल है मंत्रीवर, अत्यंत सरल है। ये बालक जिसकी भी ओर देखेगा, वो व्यक्ति अपनी पसंद के नाम से इस बालक को संबोधित करेगा, और बदले में यदि ये बालक मुस्कुराया तो ये समझ लिया जाए कि बालक ने उस नाम का चयन कर लिया। सत्य वचन महाराज। वाह, इस दरबार में यदि कोई होशियार है तो वो आप ही हो महाराज, मेरे जैसे। तो आरंभ करते हैं, और सर्वप्रथम अवसर उन्हें मिलना चाहिए जो सबसे अधिक पूजनीय होते हैं। एक शिशु के लिए सबसे पूजनीय उसकी माता होती है। गुरुजी, क्यों महाराज की पूरी बात सुने बिना ही बेलगाम घोड़े की तरह दौड़े चले आ रहे हो? अरे गुरुजी, पीछे लौटाओ, क्यों दरबार में अपना अपमान करवा रहे हो? आजा आजा। महाराज, हम भी तो यही कहने के लिए आगे आए थे, परंतु आपने हमसे पहले ही कह दिया। यहाँ कोई भागने की प्रतियोगिता हो रही है क्या, जो सबसे आगे भागा जा रहा है, नाम चुना जा रहा है? एक बार मेरा नामकरण होने दे, तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। जानता नहीं क्या, पंडित रामा का बेटा हूँ। आइए शारदा देवी,
हमारे प्यारे गोपाला बाबू, प्याले भतीजे ने मुझे उतल दिया है नाम तुमने था, मेरा प्याला बल्लामा। मेरी दया को अफसर का नाम मत दे, और तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू मुझे कोई नाम ही ना दे, समझा घंटी कुमार? राज्य की रानी हो, मेरे हृदय से पूछो, तुम तो सुंदरता की रानी हो। ये है हमारा चिन्ना बाबू। मुझे किसी नाम से पुकार रही हो या कानों में शहद घोल रही हो? हाय, मैं तो घायल हो जाऊंगा। धनिया राम, मिर्च कुमार, हल्दी बाबू। मैंने सोचा तुम तो मेरे लिए हृदय से सोचोगी, पर तुम तो मसाले के डिब्बे से बाहर ही नहीं आती हो। अब हमारा अवसर है महाराज। गुरुवर, बालक ने हमें देखा है, आपको नहीं। अच्छा, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। देखिए, हमारे प्रिय, तू बेचारा स्वामी, हंसो। जीवन शुरू हुआ है और ये मोक्ष की ओर ले जा रहा है। यदि कभी मैं बाबा बनने की सोचूंगा तो आपके नाम पर विचार करूंगा। और कौन बचा है? कितना भी मेंढक की तरह फुदक ले, तुझे तो मैं अवसर नहीं दूंगा। अब हमारी बारी। प्रभु के प्रसाद की भांति ये पुत्र आपके जीवन में आया है पंडित रामकृष्ण। अतः हमारा सुझाव है कि इस बालक का नाम प्रभु देवा होना चाहिए, पंडित प्रभु देवा। लगता है कि हमारे गुरुजी की बारी नहीं आने वाली आज। रुकिए महाराज, हम पंडित रामकृष्णा से बड़े हैं तो पहले अफसर हमें मिलना चाहिए। परंतु गुरुवर, इस बालक ने आपको नहीं पंडित रामकृष्ण को देखा है। ना मंत्री जी, ये छोटा सा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, इसे क्या पता कौन बड़ा पंडित, कौन छोटा पंडित, कौन पूजनीय पंडित। व्यर्थ के उपदेश मत सुना गुरु घंटाल, तूने जितने ग्रंथ देखे नहीं होंगे ना, उतने मैं माँ के पेट से सुन के निकला हूँ। महाराज, पहले गुरुवर को अवसर मिलना चाहिए। आइए गुरुवर, आइए। उचित है गुरुवर। जी महाराज। बापू,
आप अपना अवसर किसी और को दे रहे हो। इसका अर्थ ये है कि आपने अभी तक मेरा कोई नाम सोचा ही नहीं। जानता हूँ आप आलसी हो, पर इतना भी क्या आलस बापू। महाराज, हमारी ब्रह्म दृष्टि कह रही है कि इस बच्चे का नाम भस होना चाहिए। वही इसके लिए अच्छा होगा, तो इसलिए हम इस बच्चे का नाम भूतनाथ रखते हैं। बुड्ढे, तू तो मेरी आशाओं पे भी खरा नहीं उतरा। मैंने तो सोचा था तू कोई अपनी शक्ल से भी भयानक नाम सुझाएगा। पुत्र भूतनाथ। हसदे। भूत की तरह मैं घूमता रहता है ना, इसीलिए हमने तेरा नाम भूतनाथ रखा है। ढोंगी बुड्ढे, तू भूतनाथ? भूतनाथ करके बहुत गला फाड़ रहा है। तुझे तो ये भी नहीं पता होगा कि भूतनाथ स्वयं शिव जी का नाम है। अरे तू हसेगा, हसेगा तो फसेगा, हसना। समझ में नहीं आ रहा है, तू पिछले जन्म में बंदर था या मेंढक? उछल मेंढक की तरह रहा है और मुंह बंदर की तरह बना रहा है। अब बस कर जा, इतना काफी है। यदि धक्के मर मरा गया तो मेरा नाम मिलने से पहले ही तेरा नाम खराब हो जाएगा। हसले मेरे बाप। चुप कर, चुप हो गया। पंडित रामकृष्ण, आपके पुत्र ने पुनः आपको अवसर दिया है। कोई नाम सोचा है आपने अपने पुत्र के लिए? इसके आने से मेरे जीवन में एक नया सूर्य उगा है महाराज। वो सूर्य जो स्वयं प्रकाश है, मेरे जीवन का उजाला है ये महाराज। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरा ही पुनर्जन्म हुआ है। वो मेरे सूर्य जो प्रत्यक्ष देव है, वो सूर्य जिन्हें अर्घ दिए बिना किसी भी पंडित का दिन आरंभ नहीं होता, उन्हीं सूर्यदेव के नाम पर गुरुवर की बात मानकर मैं इसका नाम हसे हास कर रखता हूं। कि भास्कर एक दिन सूर्य की भांति पूरे संसार में आदित्य बनकर चमकेगा। अरे बाबू, कुछ अधिक नहीं हो गया? तुमने तो मुझे अपेक्षाओं के आकाश का तारा बना दिया। वचन है मेरा, तुम्हारा पुत्र हूँ, तुमसे ज्यादा चमक के दिखाऊंगा। महाराज, बालक ने अपना नाम चुन लिया, वो मुस्कुरा रहा है। अद्भुत, बालक ने स्वयं अपने नाम का चयन कर लिया। हम ये घोषणा करते हैं कि आज से इस बालक का नाम पंडित भास्कर शर्मा होगा। साधो 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 साधो। रुचि, इस भास्कर के उदय में हमें आपका सूर्य अस्त होता हुआ दिख रहा है, हमेशा हमेशा के लिए।
भूतनाथ।